Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दोस्तों, शादी के बाद हर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है, लेकिन कई बार छोटी सी तकरार इस कदर बढ़ जाती है कि उसका हल किसी के पास नहीं होता है। लड़ाइयाँ तो हर घर में होती है, लेकिन जब ये छोटी छोटी नोकझोंक ज़्यादा बढ़ जाती है तो रिश्तों में दरार आना शुरू हो जाती है। अगर आपके घर में भी इस तरह का कुछ हो रहा है तो ये पोस्ट खास करके आपके लिए है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 3 ऐसे उपाय जो कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचाते हैं। इनको करने से आपके रिश्ते की डोर भी मजबूत होगी और पति पत्नी के बीच प्यार और ज़्यादा गहरा होगा। तो आइए जानते हैं कौन से 3 उपाय। शिव पार्वती पूजा। खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? सबसे ज़रूरी ये होता है कि पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो। हालांकि हर शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी आती जाती है। शिव पार्वती की जोड़ी की मिसाल हर कोई किसी को देता है। अगर आप भी अपने जीवन साथी के साथ अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं तो आपको शिव पार्वती की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इसके लिए शादीशुदा जोड़े को पूजा में बैठना साची है। सुबह उठकर नहा धोकर लाल कपड़े पहनकर माँ पार्वती और शिव की प्रतिमा के सामने बैठकर उनकी पूजा करें। दोनों पति पत्नी एक साथ आरती करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। माँ लक्ष्मी का बंधन। अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को खुशहाल देखना चाहते हो तो इसके लिए आपका आर्थिक रूप से मजबूत होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पर पैसों को लेकर पति पत्नी के बीच लड़ाई होती है। ऐसे में अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। काम आपको अपने जीवन साथी के साथ करना होता है। सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहने और माँ के आगे दीपक जलाए। पति अपने सीधे हाथ की हथेली को पत्नी के सीधे हाथ की हथेली पर रख दे। इसके बाद माँ लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़े और विनती करे कि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। गणेश पूजन। तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी अपनी पत्नी और पति से बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर आपके बीच लड़ाई चल रही है तो आप साथ में उपाय नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अकेले भी आप इसे अपने पार्टनर से मजबूत रिश्ता बनाने के लिए कर सकते हैं। इस उपाय के तहत आपको बुधवार के दिन पीपल के पत्ते अपने जीवन साथी का नाम लिखना है। ये नाम आपको सिंदूर से लिखना होगा। इसके बाद इस पत्ते को गणेश जी के पैरों में रख दें। अब उसकी पूजा करें। पूजा खत्म होने के बाद गणेश जी को अपनी समस्या बताएं और पीपल के पत्ते को बरगद के पेड़ के पास जमीन में गाड़ दें। इसे आप चाहें तो पीपल के पेड़ के पास भी गाड़ सकते हैं। इसके आपके जीवन की समस्याओं का नाश होगा और आपके जीवन साथी के साथ जो भी परेशानी है वो सब खत्म हो जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। अगर इस चैनल को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।